वसुदेवसुतां देव कंसचाणोरमर्दन देवकी परमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरो बोल श्रीकृष्णचन्द्र की जय सदगुरुदेव की जय सनातन धर्म की जय आज मैं समस्त गीता प्रेमियों के लिए एक ऐसा अत्यंत गोपनीय पाठ लेकर आया हूं जिसको करने से हम हमारे पुराने पापों से छुटकारा पा सकते हैं बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे भाग्य में अवरोध आ रहे हैं हमारी प्रगति नहीं हो रही है हो सकता है कि हमारे पुराने पापों की वजह से हम जो अभी कर्म कर रहे हैं उसका हमें अच्छे तरीके से फल नहीं मिल पा रहा है उनके दिमाग में हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि हम हमारे पुराने पापों से कैसे छुटकारा पाएं? तो आज मैं आपके लिए अत्यंत गोपनीय पाठ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं देखें गीता के 18 अध्याय हैं अगर आप गीता के किसी भी एक मंत्र का दो मंत्र का एक श्लोक का दो श्लोक का या एक अध्याय का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम अगर इस मंत्र का भी पाठ करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है अब मैं आपको संक्षिप्त से 18 अध्याय के एक ऐसा मैं छोटा पाठ आपको बताने जा रहा हूं अगर आप उसको रोजाना भी पढ़ेंगे रोजाना सुनेंगे तो आपके पुराने पाप धीरे 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 करते जाएंगे और आपको गीता में स्वच स्वतः ही रुचि पैदा होती जाएगी तो वे मैं आपको पाठ बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुने तो गीता के अठारह अध्याय उसके अंदर सम्मिलित है मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय ज्ञान कर्म संन्यासी योगो नाम चतुर्थोध्याय

भक्ति योगो नाम भक्तिगो द्वादोध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः पुरुषोत्तम योगो नाम देवासुर संपद विभाग योगो नाम, योगो नाम विभाग योगो नाम विभागोंम अध्यायः मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणम अस्तु शुभम भूया वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु तो यह संपूर्ण गीता का अठारह अध्याय का बहुत संक्षिप्त तरीके से मैंने आपको पाठ बताया है जिनके पास समय बहुत कम रहता है उनके लिए यह रोज़ाना दो मिनट तीन मिनट का पाठ है आप रोज़ाना ये गीता के अठारह अध्याय सुने तो निश्चित रूप से आपके पुराने पाप धीरे 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 स्वतः ही कम होने लग जाएंगे आपको स्वतः ही गीता में रुचि पैदा होने लग जाएगी और भगवान श्री कृष्ण और सदगुरुदेव ऐसी आपके ऊपर कृपा करेंगे कि आप के पास में धीरे 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 समय निकलता जाएगा और आपको गीता पढ़ने के लिए समय मिलता जाएगा आपकी गीता में रुचि पैदा हो जाएगी और आप गीता पढ़ने लग जाएंगे और अगर जिस दिन आप गीता पढ़ने लग जाएंगे बस आप समझ लो उसी दिन से आपकी जो जिंदगी है ना वो पूर्ण रूप से बदल जाएगी भगवान ने खुद ने गीता में कहा है कि जो भी गीता को पढ़ता है ना बस वो मेरा भक्त बन जाता है आज के लिए इतना ही जय श्री कृष्ण